हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बीएड का जो है एग्ज़ाम ले रही है। इसमें आप लोगों के एक क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि कितने मार्क्स में पासिंग होगा वो बता दीजिए। पासिंग मार्क्स जो है वो कितने का होगा ये आपको पूछ रहे हो। तो अभी मैं आप लोगों को जो है बीएड फर्स्ट ईयर का पासिंग मार्क्स लेकर के आई हूँ कि कितने नंबर में जो है आप पास रहोगे। ये फर्स्ट ईयर बोलो सेकेंड ईयर बोलो दोनों के लिए है। तो आप लोगों का पासिंग मार्क्स एक्चुअली में आगरा यूनिवर्सिटी का क्या होता है, जो कि अब आरएमपीएससी में फॉलो होता है, आरएमपीएससी का भी इसी तरह से आपको देखना है, तो वो आज चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड एंड टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के जो यहाँ पे क्लासेस एंड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप सीटेट जो है क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा सेकेंड बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है सीटेट का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर आपको दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पासिंग मार्क्स के लिए, जो कि कल का पेपर हुआ है और उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा कम जो है अटेम्प्ट किया है या उनका रॉन्ग हुआ है, तो उस बेसिस पे उन लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी हो चुकी है। तो चलो हम उसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आगरा यूनिवर्सिटी जो है दो तरह का, दो पेपर हो रहा है। एक तो होता है आपका आगरा यूनिवर्सिटी जो ले रहा है एग्जाम, वो 100 मार्क्स आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। 100 मार्क्स के लिए हो रहा है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना कर रहा है करना हो रहा है 50। इसी तरह से एक आपका जो होगा वो भी जो है आप लोगों का 50 मार्क्स वाला जो रहेगा, उसमें भी आपको 50 ही क्वेश्चंस करने रहेंगे, ठीक है। ये आपका 50 मार्क्स वाले का भी 50 क्वेश्चंस ही करने को मिलेगा। तो ये एक 100 मार्क्स वाला जो आपका है और जो 50 मार्क्स वाला है, उन दोनों का जो है मार्किंग अलग अलग होता है। तो अब चलो 100 मार्क्स वाला पहले देखते हैं। जो 100 मार्क्स वाला आपका पेपर है, जैसे चाइल्डहुड है, लर्निंग है, कंटेम्प्रेरी है, ये सारे जो पेपर हैं 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए रिटेन में, जो आप एग्जाम दे रहे हो रिटेन में, उसमें आपको चाहिए 32 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए? 32 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और आपका 8 नंबर जो है एक्सटर्नल, जो एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल वाला, जो आप लोग का इसमें होता है, क्या बोलते हैं, कॉलेज में जो होता है इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है, उससे आपको मिलेगा, इंटरनल एग्ज़ाम से आपको मिलेगा। इंटरनल एग्ज़ाम से आपको कितने मार्क्स चाहिए? 8 कितने में से? 20 में से। 20 कॉलेज अपना रखता है तो उसका लेगा, तो 8 तो दे ही देता है, तो इसमें तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर आपको देखना है कि आपको 32 मार्क्स आने चाहिए, जो आप रिटेन एग्जाम दे रहे हो, एमसीक्यू वाला एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको 32 नंबर मिलने चाहिए। 32 नंबर कितने नंबर को, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो मिलेगा? 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 32 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि आपका जो मार्किंग किया जाएगा 1.6 पे किया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1.6 दिया जा रहा है, तो 1.6 आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका 32 आ जाता है। तो जिन लोगों ने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और 20 क्वेश्चंस आपके एक्चुअली में सही है, नॉट अटेम्प्ट, जिन्होंने जो है 20 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, उन लोगों को जो है 32 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं लिख के करेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट क्वेश्चन, मतलब आपको एनी हाउ जो है करेक्ट क्वेश्चंस कितने करने हैं? 20, तो आप पास हो गए कितने? 100 मार्क्स वाले में। ये किस में लागू होगा? तो ये आपका चाइल्डहुड में लागू होगा, ये आपका लर्निंग टीचिंग में होगा, ये आपका कंटेम्प्रेरी में होगा, जो आपने कल एग्जाम दिया है, ये आप लोग का 100 मार्क्स का है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ 50 मार्क्स वाले का क्वेश्चन, भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 50 मार्क्स वाले में कितना चाहिए। तो 50 मार्क्स वाले में आप लोग को जो रिटेन आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको 16 मार्क्स चाहिए। कितने? 16 नंबर चाहिए जो रिटेन दे रहे हो। और जो इंटरनल आप लोग का कॉलेज में लिया जाता है उसमें 4 चाहिए, मतलब 50 में से आपको 20 नंबर पास के लिए चाहिए होता है, 20 मार्क्स चाहिए होता है पासिंग के लिए, ठीक है, 50 में से। अब आप 50 मार्क्स वाले में देखो कि आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे तब आपको जो है 16 मार्क्स मिलेगा, तो इसमें भी 20 है। अगर 20 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.8 मार्क्स दिया जा रहा है, तो ये आपको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 16 मार्क्स आ जाएगा। तो मतलब आपको चाहे 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका पेपर हो या फिर आपका 100 मार्क्स वाला हो, आपको 20 क्वेश्चंस उसमें से सही करने हैं एमसीक्यू वाले में, ठीक है। ये हो गया आपका 20 मार्क्स वाला, 20 क्वेश्चंस दोनों में सही करने हैं तो आप पास हो जाओगे। तो कल का जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का कंटेम्प्रेरी का, उसमें आप लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है, तो आप लोग ये देख लो कि अगर आप लोगों का 20 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आप पास हो जाओगे। अब वैसे देखा जाए तो इंटरनल मार्क्स जो दिया जाएगा उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा, और आपको ओवरऑल अगर एक दो नंबर से चूक रहे होगे तो उसको जो है ग्रेस दे करके पास कर दिया जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। आगे आने
वाले पेपर पर ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोग के सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरी दूर हो गए हों। अगर नहीं हुए हैं तो भी आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो एंड हमसे जो है क्वेश्चन कर सकते हो आप। हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।